सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी वो शेयर जो रहने वाले खबरों के कारण एक्शन में। तो लगभग 14 से 15 शेयर हैं अभी, सभी डिस्कस करेंगे और मार्केट में कैसा क्या माहौल बनेगा इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो जाकर आप लोग देख लेना भाई। तो चलिए अब देखते भी आखिरकार मार्केट के अंदर जो ये 14-15 शेयर है ये कैसा बिहेव करेंगे, कैसा एक्शन रहेगा कल के दिन। और अब तक जो भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े अभी, टेलीग्राम हमारा आ चुका है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी के शेयर कहां पर एंट्री आनी है, कहां पर एग्जिटिंग करना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। और अभी के टाइम जो मार्केट में ये गिरावट बनेगी ना भाई, इसमें कहां खरीदारी होनी है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो बड़ा मौका है, आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं भी HDFC बैंक से। HDFC बैंक के तिमाही रिजल्ट्स आते हुए नजर आए, आप देखे होंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और बैंक का जो मुनाफा है यानी कि जो प्रॉफिट्स है वो 16,512 करोड़ रुपए से घटकर 16,175 करोड़ पर आ गया है। इसका देखो भाई नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, इसमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि CNBC TV18 के पोल में 15,693 करोड़ रुपए के मुनाफे का जो है अनुमान था, यानी मुनाफे का जो आंकड़ा अनुमान से 3% अधिक रहा है। बैंक की नेट जो इंटरेस्ट इनकम है वो आप लोग 29,078 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,837 करोड़ रही है। इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है इसकी, ठीक है, NII बढ़ते हुए नजर आई है, बट रिजल्ट्स जो ना अभी प्रॉफिट्स के मामले में टूटा है। उसके बाद में आप लोग देखोगे भी इसमें तिमाही दर तिमाही आप लोग 2.6% की बढ़त देखने को मिली, तो कल ये स्टॉक भी बिल्कुल एक्शन में रहने वाला है। उसके बाद अगला शेयर अभी विप्रो ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं ड्यूरिंग मार्केट के बाद, और वहाँ पर देखोगे 2025 की पहले तिमाही में कैसा प्रदर्शन रहा अभी। इसकी जो आय है मुनाफा वो घटकर आप लोगों आय यानी कि इनकम घटकर 21,896 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछली साल की तिमाही में आप लोग देखोगे 22,079 करोड़ के आसपास था, तो वहां से घटा है। ईबिट की अगर बात की जाए तो वो आप लोग देखोगे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3620 करोड़ रुपए से घटकर 3606 करोड़ रुपए रहा है। और विप्रो का जो डॉलर रिवेन्यू वो 2625.9 मिलियन डॉलर रहा है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर आप लोग देखोगे भी लगभग 0.3% गिरकर बंद हुआ 557 पर, तो यहाँ पर और गिरावट आने की संभावना हो सकती है कल के दिन। इसके बाद अगली कंपनी का शेयर है इंडियन होटल। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं अभी, मुनाफे में 11.5% का जो उछाल है वो देखने को मिला है और 248.4 करोड़ पर जो अभी पहुँच गए हैं। एक साल पहले इसी तिमाही में होटल कंपनी का जो मुनाफा वो 222.40 करोड़ के आसपास का था। कंपनी की जो आय है इनकम है वो 5.7% बढ़कर आप लोग देखोगे लगभग 1550 करोड़ पर पहुंच गई है, जो पिछले साल में इसी तिमाही में लगभग 1466 करोड़ की थी। शुक्रवार को इंडियन शेयर जो इंडियन होटल्स है इसमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली, तो कल स्टॉक बिल्कुल एक्शन में। ICICI लोम्बार्ड इसने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं, मुनाफा जो है वो 48.7% बढ़कर देखने को मिला है, जो बढ़कर हो गया अभी 580.40 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया है। एक साल पहले से तिमाही में लगभग 390 करोड़ के आसपास का था, जो एक काफ़ी अच्छी बात है, अभी बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है। कंपनी के जानकारी दी है कि जून तिमाही में उसकी जो ग्रोस प्रीमियम है वो 19.8% बढ़ोतरी के साथ आप लोग देखोगे भी 7,931.10 करोड़ पर है, और जो इसी साल के एक साल पहले इसी तिमाही में लगभग 6,622 करोड़ के आसपास का था। तो शुक्रवार को ये शेयर हल्के फुल्की गिरावट में था भी और कल रहने वाला एक्शन में। अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। टाटा कंज्यूमर ने जानकारी दी है कि NCLT की जो कलकत्ता बेंच ने उसकी 3 सब्सिडरी के जो है कंपनी में मर्जर को ऐलान दे दिया, तो 3 सब्सिडरी कंपनी है उसका मर्जर होगा, उसके लिए जो नबी मंजूरी वो मिल चुकी है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि जो इसकी नोरिसिस कंपनी है बेवरेजेस लिमिटेड, वो टाटा स्मार्ट फूड्स लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर सॉलफूल, तो ये सभी कंपनियां जो ना भी आप लोग देखोगे मर्जर होने वाला है इनका। अगला है पतंजलि, इसके भी आप लोग देखोगे भी रिजल्ट्स आए हैं, मुनाफे में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो बढ़कर 262.90 करोड़ के आसपास पहुँच गया है।
ठीक है 265.9 करोड़, सॉरी। उसके बाद जो एक साल पहले इसी तिमाही में लगभग 87.8 करोड़ का था भी, ठीक है, तो बहुत अच्छा जंप आया है। इसके साथ ही कंपनी का जो मुनाफा सालाना आधार पर 3 गुना बढ़कर आया है। जो कंपनी की आय है वो साल दर साल आप 7767 करोड़ रुपये से घटकर 7173 करोड़, इनकम जरूर घटी है लेकिन प्रॉफिट्स में काफ़ी शानदार जंप है भाई, तो स्टॉक एक्शन में रहेगा कल के दिन। अगला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट्स आप लोग देखोगे भी क्यों उनमें कैसे रहे। कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर देखा जाए तो साल दर साल 4.5% घटकर 17,445 करोड़, जी हाँ 4.5% की गिरावट आई है अभी इसके प्रॉफिट्स में। और उसके बाद आप लोग कंसोलिडेटेड जो आय है सालाना आधार पर 11.5% बढ़कर 257,823 करोड़ रुपये रही है। तो इसके सालाना आधार पर आप लोग देखोगे भी जो इनकम उसमें हमें जंप देखने को मिला है। जून तिमाही में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड इबिटा है वो साल दर साल 2% बढ़कर लगभग 42,748 करोड़ पर पहुंच गया है। जून तिमाही में रिलायंस रिटेल की जो आय में सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ऑयल एंड गैस का इबिटा मार्जिन आप लोग देखोगे 84.3% पर रहा है। रिलायंस जियो का कुल सब्सक्राइबर बेस करीब 49 करोड़ रहा है और Q1 में 5G यूजर्स की संख्या 13 करोड़ पर पहुंच गई है। Q1 में आप लोग कंपनी ने 80 लाख जो सब्सक्राइबर है जोड़े और Q1 अप्रैल में आप लोग देखोगे लगभग बिना बदलाव के 181.7 रुपये रहा है, ठीक है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो शुक्रवार को हमें 1.25% के आसपास गिरावट में दिखाई दे, तो कल ये बिल्कुल जिसमें एक्शन में रहेगा। यूनियन बैंक आप लोग देखोगे भी 2025 की पहले तिमाही का मुनाफा बढ़कर 3,678 करोड़ 90 लाख पर पहुंच गया है और कंपनी का मुनाफा साल दर साल आप लोग देखोगे इसी साल के सेम क्वार्टर में लगभग 3,236 करोड़ रुपए रहा था। बैंक की जो नेट जो इंटरेस्ट इनकम यानी NII है वो साल दर साल आप लोग देखोगे 8,839 करोड़ 70 लाख रुपए से बढ़कर 9,412 करोड़ 10 लाख पर पहुंच गई है, तो ये स्टॉक बिल्कुल एक्शन में कल के दिन। अगला शेयर अभी JSW एनर्जी। इसमें भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नजर आए हैं। मुनाफा बढ़ा है भी, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, यहाँ पर लगभग 521 करोड़ पर पहुंच गया है जो एक साल पहले इसी तिमाही में आप लोग देखोगे 289 करोड़ 90 लाख था, वहाँ से काफ़ी अच्छा जंप आया। इसके बाद आप लोग देखोगे इसकी इनकम 2927 करोड़ 90 लाख पर से घटकर 2879 करोड़ रही है भाई, तो इनकम में गिरावट आई है भाई। इविडा आप लोग बढ़कर 1417 करोड़ 90 लाख पर पहुँच गया है जो एक साल पहले 1222 करोड़ का था, तो इसके अंदर भी जंप आया अभी शुक्रवार को। शेयर 2.5% के आसपास गिर कर 702 पर क्लोजिंग लिया, कल रहेगा एक्शन में। येस बैंक जबरदस्त रिजल्ट आए हैं भाई। कंपनी का जो मुनाफा है वो आप लोग देखोगे 342 करोड़ 50 लाख रुपए से बढ़कर 502 करोड़ हो गया है भाई। और वही इंटरेस्ट इनकम की अगर बात की जाए NII की तो वो आप लोग देखोगे भी 1999 करोड़ 60 लाख रुपए से बढ़कर 2244 करोड़ पर पहुंच गई है। और ग्रॉस NPA जून तिमाही में 3,845 करोड़ पर रहे हैं जो कि इसी मार्च प्रीवियस ईयर की सेम क्वार्टर में 3982 करोड़ रुपए पर थे। वही नेट NPA की बात करें तो इनमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है 1240 करोड़ हमें देखने को मिले 1338 करोड़ से, तो ये भी अच्छी बात है भाई। उसके बाद देखोगे RBL बैंक, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं अभी। RBL बैंक का जो मुनाफा है वो 29% बढ़ा है लगभग 371 करोड़ रुपये 50 लाख और एक साल पहले इसी तिमाही में 288 करोड़ रुपए के आसपास का था। वहीं आप लोग देखोगे जो नेट इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट इनकम है NII उसमें भी हमें जो ना अभी साल दर साल पर आप लोग देखोगे 1422 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1699 करोड़ 90 लाख पर पहुंच गई है। बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो आप लोग 5.57% पर रहे हैं और वहीं मार्च तिमाही में 5.45% के आसपास पर थे, तो एक साल पहले मार्जिन 5.53% पर हमें देखने को मिले थे भाई। कोटक बैंक, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं भाई। जैसा कि देखोगे बैंक ने बाज़ार के अनुमानों के मुकाबले काफ़ी बेहतर जो मुनाफा वो दर्ज किया है, हालांकि इसका जो NII है वो उसके अनुमानों से आप लोग देखोगे भी नीचे रही हैं, यानी नेट जो इंटरेस्ट इनकम वो अनुमान से टूटे हैं। बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 3452 करोड़ रुपये से बढ़कर 6249 करोड़ पर पहुँच गया है और इसमें साल दर साल पर आप लोग देखो 81% की जबरदस्त जो जंप है वो देखने को मिली है भाई, ठीक है। उसके बाद मुनाफे में उछाल के
लिए 3520 करोड़ रुपए का जो वन टाइम गेन मुख्य वजह रही है, और बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो पिछले साल के मुकाबले 9.8% बढ़कर आप लोग देखोगे लगभग 6842 करोड़ पर पहुंच गए, जो पिछले साल इसी में आप लोग देखोगे 6234 करोड़ थी। इसके बाद आप लोग देखो अगला शेयर अभी सीमेंट सेक्टर का जेके सीमेंट्स के भी रिजल्ट्स आए हैं, अभी वीडियो को पोस्ट करके आप लोग ये डिटेल में देख लेना, ठीक है। अगला शेयर अभी हमारा वेदांता के अंदर दो महत्वपूर्ण माइनिंग ब्लॉक्स मलेन हल्ली निकेल क्रोमियम एंड पीजीई ब्लॉक, और जो जेनजाना निकेला है क्रोमियम एंड पीजीई ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया गया है। शुक्रवार को वेदांता का शेयर आप लोग 2.5% के आसपास गिरावट में था, 441 रुपये के भाव में बंद हुआ है, और पिछले एक साल में आप लोग देखोगे कंपनी के शेयर में 58% के आसपास की तेजी देखने को मिली। कल रहेगा फोकस में, ठीक। तो ये टोटल स्टॉक्स अभी 14, इनके ऊपर आपकी नज़रें रहनी चाहिए, और ये आप लोग सीमेंट सेक्टर की कंपनी का भी आप लोगों को पढ़ लेना भी डिटेल में, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।